आप सबको स्वागत है। आज हम 5 फरवरी की श्रीवेदन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि एक होता है हद की सेवा करना, एक होती है बेहद की सेवा करना। आप किसी को धन दान कर दीजिए, किसी को खाना दान कर दीजिए, किसी को शेल्टर दान कर दीजिए, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान, किसी को आपने विद्या दान कर दी, दुनियावी विद्या पढ़ा दिया उसको, वो भी है, वो सारी हद की चीजें हैं, जिससे उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए उसको फायदा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक विद्या है, इसके अलावा भी एक फॉर्चून है, इसके अलावा भी एक धन है, जो कि आप ज्ञान धन के रूप में और किसी को देंगे और उनको परमात्मा से अगर आप जोड़ देंगे तो उनके पिछले जन्मों के जो जो पाप हैं वो खत्म होंगे। तो फिर उन आत्माओं के अंदर शक्ति आती है और वो उस शक्ति से अपने पिछले किए हुए विकर्मों को तो मिटाते हैं और इस समय इसी सेकंड नए अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं, जिससे कि उनका जो बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस जो है लॉस का खाता कर्मों का, वो खत्म होता जाता है और पुण्य का खाता बढ़ता जाता है और उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। आप सोचिए, आप कब तक किसी को धन देंगे, कब तक किसी को खाना खिलाएंगे, कब तक किसी को रोटी कपड़ा मकान देंगे। ये चीजें हद में, इसलिए परमात्मा कहते हैं अब समय है बेहद की सेवा करने का। हद की सेवा तो पूरी दुनिया कर रही है लेकिन उसमें वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। देखें आज परमात्मा कहते क्या है और हमें करना क्या है। परमपिता परमात्मा के अपने ही मुखारविंद से, भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे। परमात्मा ने कहा था कि भाग्य और भाग्य विधाता बाप की स्मृति में रहे, भाग्य बांटने वाले। फराक दिल, फराक दिल मतलब कि बड़ा दिल, बड़ा दिल में कोई हार्ट की साइज नहीं है, मतलब कि आपकी भावनाएं बड़ी हो देने के लिए। महादानी भवा, तो परमात्मा कहते हैं कि वो दान तो हो गया, उसमें लोग बहुत महादानी बनते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है, कमी हो जा सकती है। आपके पास में एक लिमिटेशन है कि आप इतना ही सेवा कर सकते हो, लेकिन ये जो सेवा है, ये जो आध्यात्मिक सेवा है, किसी का जीवन परिवर्तन कर देना, किसी को परमात्मा से जोड़ देना, उनका योग लगा देना परमात्मा से, ताकि उनके पाप खत्म हो और उनका जीवन सफल हो। तो परमात्मा कहते हैं भाग्य विधाता बाप, भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे कि हमें उन्होंने क्या दिया है, तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह होगा। जैसे भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटते हैं, परमात्मा पिता ब्रह्मा के द्वारा वो ज्ञान बांटते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के हाथ में क्या दिखाते हैं, शास्त्र दिखाते हैं। ये सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े भी थे लेकिन उन सब शास्त्रों का निचोड़ परमात्मा आकर के उनके मुख से सुनाते हैं, तभी जाके ब्राह्मण पैदा होते हैं, बांटते हैं। ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो, परमात्मा हो गए भाग्य विधाता और दाता, हम भी दाता के बच्चे हैं, भाग्य बांटने चलो। वे लोग कपड़ा बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते। 100% कोई तृप्त नहीं होता, उल्टा हम उनकी लाठी बन जाते हैं, वो अगली बार फिर से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा और दे दीजिए ना, कमी पड़ गई हमें। तो परमात्मा कहते हैं कि वो लाचारी ना लाए किसी के अंदर, उससे अच्छा है आप भाग्य बांटो, तो जहां भाग्य है वहां सब प्राप्तियां हैं। अब लेने वाले लेंगे, नहीं लेने वाले नहीं लेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना है, हमें उनको या तो गुण या तो शक्ति या तो ज्ञान बांटना है, परमात्मा ने कहा है हमें। ऐसे भाग्य बांटने में फराक दिल, बड़ी दिल वाले श्रेष्ठ महादानी बनो, सदा देते रहो। ये मत सोचो कि इसको दू ना दू, इसके साथ तो मेरे संबंध अच्छे नहीं है, इसको मैंने क्यों क्यों इसको मैं ज्ञान का बांटू, इसको मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, इसको मेडिटेशन छोड़ दो, इससे मेरे को चिड़ मचती है, ये चीज नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं परमात्मा की समदृष्टि सबके लिए, तो हमारे भी सबके लिए समदृष्टि होनी चाहिए, चाहे वो हमारे साथी हो चाहे संबंधी हो, उनको देना हमें, उनको कहना हमारा कार्य है, फिर वो उसका मजाक उड़ाए, चाहे वो उसकी खिल्ली उड़ाए, चाहे वो हमारा मजाक उड़ाए, वो उनकी किस्मत है। क्योंकि आज कलयुग में आत्माओं की बुद्धि पे ताला लगा है, परमात्मा कहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनको परमात्मा से जोड़ने की कोशिश तो करनी है, क्योंकि कहीं ये ना हो लास्ट में उलहना न दे कि आपने ट्राई क्यों नहीं किया, आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि कलयुग और घोर होते जा रहा है, दुख के पहाड़ बढ़ने वाले हैं। उस समय वो आपको याद करेंगे कि हाँ, उन्होंने कुछ कहा था कि आओ सीखो, ध्यान करो, ध्यान लगाना सीखो, परमात्मा को याद करना सीखो, लेकिन हमने उस समय मजाक उड़ा दी। तो अंत में सत्य की जीत होती है, इसलिए आप कभी पीछे ना हटे, ये बड़े दिल से औरों का आप सेवा का भाव रख के आगे बढ़े। ये सीखा कहां जाता है, सब कुछ ब्रह्म कुमारी में, जहां पर हम बिना छोटे दिल नहीं रखे, बड़ी दिल रख करके, बिना घबराए हुए, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं, बड़ी दिल रख करके, सवा शेर होकर के औरों की सेवा करने में आगे बढ़े, निडर होकर के। तो ये चीज हमें आगे करनी है, एंड इसका हमने कई धर्मों में देखा है, कई गुरुओं ने,
कई धर्म स्थापकों ने भी युद्ध ही नहीं अपनी शरीर की जान भी गवाई सत्य बोलते समय। तो हम सत्य बोलने से क्यों डरें किसी से? तो किसी भी धर्म में चले जाएं, सिख धर्म में चले जाएं, अगर आप कृष्ण धर्म में चले जाएं, बुद्धिस्ट धर्म में चले जाएं, लोगों ने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या तपस्या करें, अपने शरीर का त्याग किया, अपने संबंधियों का त्याग किया परमात्मा के सत्य को बोलने के लिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं सुने वो लोग, तो उनको ये सत्य पता था कि हम आत्माएं अमर हैं और वो निडर होकर के ये सत्य के कार्य करते चले कि हमारे अंदर वो ताकत है। अगर नहीं तो आइए आप ही ब्रह्म कुमारी में आकर के अपने अंदर वो ताकत भरिए सत्यता की। ओम शांति।